नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएल के लिए जो ओल्ड पेपर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टेक्निकल थ्योरी के, वो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं। आज की क्लास में हम टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न आपके सामने, विद्युत भू संपर्कन का प्रायोजन क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल अर्थ कनेक्शन को क्यों किया जाता है, यह आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। क्या स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बिजली के झटकों के खतरे को कम करने के लिए किया जाता है, बिजली की खपत को कम करने के लिए किया जाता है, या प्रतिरोध को घटाने के लिए किया जाता है। तो विद्युत भू संपर्कन किया जाता है, ये क्यों किया जाता है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि रिड्यूस शॉक रिस्क, अर्थात बिजली के झटकों के खतरों को कम करना। ठीक है, तो ये था इसका राइट आंसर। देखिए एग्जैक्टली होता क्या है कि जब भी सप्लाई दी जाती है तो न्यूट्रल और जो फेज है वहाँ से कनेक्शन जोड़ करके सप्लाई की जाती है, लेकिन जो हमारा उपकरण होता है इसका तीसरा भाग होता है उसको ग्राउंडिंग से, इसकी जो बॉडी होती है उसको ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है। जैसे मान लो कभी किसी केस में इसमें करंट आना स्टार्ट हो जाए किसी भी बॉडी पार्ट में, तो वो क्या होगा, सारा का सारा करंट ग्राउंड के जरिए पूरा भूमि में चला जाएगा। तो ये भूमि संपर्कन का ये फायदा होता है, जिससे उसकी बॉडी में जो करंट आता है उससे किसी व्यक्ति को कोई झटका नहीं लगता और वह उससे सुरक्षा बनी रहती है। तो ये था इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बिजली के झटके के खतरों को कम करना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रंग की तार को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए कॉमन कलर कोड होता है उसके अकॉर्डिंग ही तारों का यूज लिया जाता है, कि क्या लाल रंग के तार को अर्थ के लिए काम में लिया जाएगा, या न्यूट्रल के लिए काम में लिया जाता है, फेज के लिए काम में लिया जाता है, या इंसुलेटर या इंसुलेशन के काम में लिया जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है लाल रंग की तार को यूज क्यों लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि फेज के काम में लिया जाता है। बिल्कुल, आप जानते होंगे लाल रंग के वायर को फेज के काम में लिया जाता है। देखिए तीन फेज सप्लाई होती है, उसमें तीन वायर होते हैं आर वाई बी, ठीक है, तो तीनों फेज के तार के काम में आते हैं थ्री फेज सप्लाई में। ये रेड है, ये येलो है और ये ब्लू है। इसके अलावा जो ग्रीन कलर का वायर होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का वायर वो किस काम में लिया जाता है, वो काम में लिया जाता है अर्थ के काम में, और जो ब्लैक कलर का वायर होता है वो काम में लिया जाता है न्यूट्रल के काम में। ठीक है, तो पाँच तार के कलर कोड आपको बताए, रेड येलो और ब्लू, ये तो थ्री फेज सप्लाईज के अंदर तीनों के तीनों फेज का काम करते हैं। ग्रीन कलर का जो होगा वो अर्थिंग का काम करेगा, ब्लू कलर का जो होगा वो न्यूट्रल के काम में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा कंडक्टर है, विद्युत धारा का सुचालक कौन सा है, क्या बालू है, प्लास्टिक है, या नल का पानी है, या कांच है। तो विद्युत का सुचालक कौन सा है चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि नल का पानी, टैप वाटर, ये इसका होगा राइट आंसर। देखिए क्या होता है, सुचालक की बात करें तो सुचालक गुणधर्म जो डिपेंड करता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, कि जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें सुचालक का गुण उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो नल का पानी होता है इसमें अशुद्धियों के स्वरूप कई प्रकार के आयन घुले हुए होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उन अशुद्धियों के कारण ही जो नल का पानी होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो ये था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या अगली देखिए। तो अगला प्रश्न आपके सामने, द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य है, तो द्विमार्गी स्विचिंग से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। देखिए निम्नलिखित में से नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में दो या अधिक स्विचों का उपलब्ध होना है।
तो द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य है निम्नलिखित के नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में दो या अधिक स्विचों का उपलब्ध होना। तो देखिए, दो लैंप में, एक लैंप में, तीन लैंप में या चार लैंप में। तो द्विमार्गी स्विच किस स्थिति में प्रयोग होता है? देखिए, जो द्विमार्गी होता है, नाम से ऐसा लग रहा है द्विमार्गी है तो दो स्विच दो लैंपों के लिए काम में आएगा, लेकिन इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, यानी एक लैंप के लिए ही काम में आता है द्विमार्गी स्विचिंग, जिसको हम टू वे स्विच भी बोलते हैं इंग्लिश में। टू वे स्विच का मतलब क्या होता है? लैंप एक लगा हुआ होगा, इसे दो जगह से ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इन जैसे पदार्थों का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्या चालक के रूप में किया जाता है, क्या अर्धचालक के रूप में किया जाता है, या अवरोधक यानी इंसुलेटर के काम में लिया जाता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि अर्धचालक के रूप में। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में इन दोनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अर्धचालक के निर्माण में किया जाता है। देखिए क्या होता है, जिनके बाहरी कोष में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो सिलिकॉन को लिखते हैं Si से और जर्मेनियम को लिखते हैं Ge से, इन दोनों के ही परमाणुओं के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? चार होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ऐसा है, सिलिकॉन की बात करें तो 2, 8 और 4, पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे में 4। तो ये सिलिकॉन है 14 नंबर पे आता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जर्मेनियम में ये 32 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें आप ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में जो क्वेश्चन एक और पूछा जाता है वो होता है कि सिलिकॉन या जर्मेनियम के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इनके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर और एकीकृत परिपथ के चिप निम्नलिखित में से किसके बनाए जाते हैं? क्या पोर्सिलॉन के बनाए जाते हैं, माइका के बनाए जाते हैं, ग्लास या कांच के बनाए जाते हैं, या सिलिकॉन के बनाए जाते हैं? तो डायोड, ट्रांजिस्टर, एकीकृत परिपथ यानी IC की बात हो रही है, तो ये किसके बनाए जाते हैं? तो देखिए, ये सब बिल्कुल आसान बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये सभी चीज़ें किस चीज़ की बनाई जाती है। ये चीज़ें बनाई जाती है सिलिकॉन की। ठीक है, सिलिकॉन यानी अर्धचालक से ही तो सिलिकॉन बना था। ठीक है, तो सिलिकॉन के साथ ही अर्धचालक बनाए जाते हैं और इन अर्धचालकों से डायोड, ट्रांजिस्टर या एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या अगली देखिए, अमीटर मापता है, तो अमीटर किस चीज़ को मापता है भाई, हमें ये बताना है। अमीटर मापता है, किसका मेजरमेंट करता है? एन अमीटर। तो क्या वोल्टेज का मापन करता है, धारा का मापन करता है, प्रतिरोध का मापन करता है, या लीकेज या रिसाव का मापन करता है? तो आपको बताना है अमीटर किस चीज़ का मापन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि धारा का, करंट का। तो जो अमीटर होता है ये विद्युत धारा का मापन करता है। ठीक है, और एक प्रश्न यहाँ से जो और चीज़ आती है, देखिए जो वोल्टेज होता है इसका मापन कौन करता है? वो करता है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज का मापन होता है। और जो प्रतिरोध होता है हमारा, इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? ओम मीटर के द्वारा। प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ओम मीटर के द्वारा प्रतिरोध का मापन किया जाता है। तो ओम मीटर उपकरण है जिसके द्वारा प्रतिरोध का मापन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों में से बताना है आपको कौन सा सही है। देखिए, जहाँ केवल A लिखा हुआ है वो बता रहा है एम्पियर को, जहाँ M लिखा हुआ है वो बता रहा है मिली एम्पियर को, जहाँ म्यू बता रहा है वो बता रहा है माइक्रो एम्पियर को। देखिए, मिली एम्पियर का मतलब होता है 10^-3। ठीक है, और जो माइक्रो है इसका मतलब होता है 10^-6। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कौन किस चीज़ को बता रहा है। तो देखिए, यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा कि बड़ा कौन सा, इसमें से बड़ा कौन सा है। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी,
क्योंकि मिली का मतलब 10^-3 और माइक्रो का मतलब 10^-6, तो 10^-6 जाहिर सी बात है छोटा होगा, -3 बड़ा होगा, जबकि यहाँ -6 को बड़ा कर रखा है जो गलत है, यहाँ भी -6 को बड़ा कर रखा है यानी माइक्रो यानी 6 गलत है, या मिली यानी 10^-3 को बड़ा कर किया हुआ है वो गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 2 किलो ओम का मान होगा, 2 किलो ओम का मान होगा, तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। तो देखिए किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब कितना होता है 1000, तो भवन कहीं भी किलो आ जाए वर्ड तो ध्यान रखिएगा 10^3 यानी 1000। ठीक है, तो 2 किलो का मतलब कितना हो गया? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए 2000 ओम। अब आज का लास्ट प्रश्न, इस पर चलते हैं हम। तो आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस की विद्युत उत्पन्न होती है? तो कौन सी विद्युत उत्पन्न होती है जब कांच की छड़ को किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तब? क्या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, क्या स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, या दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपको बताना है कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर कौन सी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थैतिक विद्युती, ये उत्पन्न होती है कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे ओल्ड UPPCL पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निकल थ्योरी के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, इसी सीरीज को हम आगे नेक्स्ट क्लास में चलाएंगे। फिर मिलते हैं अगले नए 10 प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।